रायसेन जिले के दीवानगंज में एक गरीब मजदूर की पेड़ की कटाई करते समय बरगद के ऊंचे पेड़ से गिरने के कारण मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामला शुक्रवार का है जब दीवानगंज निवासी मुन्ना शाक्य को राम जानकी मंदिर परिसर में लगे बरगद के पुराने पेड़ की डालें कटवाने के लिए स्थानीय बीजेपी नेता का भाई मनीष अग्रवाल घर से बुलाकर ले गया, लेकिन पेड़ की कटाई के दौरान सुरक्षा उपाय नहीं होने के कारण वो बरगद पेड़ की करीब 30 फीट ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया, जिसे पेड़ कटवाने वाले ठेकेदार सहित अन्य लोग तत्काल इलाज के लिए भोपाल हमीदी अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। शनिवार सुबह बाद जब मजदूर का शव दीवानगंज पहुंचा तो परिजनों ने पेड़ कटवाने वाले ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाकर उचित मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और बीजेपी नेता और उसके भाई पर मृतक की जान लेने का आरोप भी लगाया। सर मुझे तो कोई मालूम नहीं है, वो मेरा आदमी खो गया था। अब मुझे क्या मालूम कहाँ गया था। अभी आपको कोई सूचना नहीं क्या? कोई सूचना नहीं है, मुझे कोई ने सूचना नहीं दिया। मुन्ना साहब क्या नाम का व्यक्ति दीवानगंज का जो मजदूरी करता था, वो कल मंदिर का एक बरगद का पेड़ काट रहा था। पेड़ काटते समय अचानक गिर गया, जिसे इलाज को भोपाल ले गए थे, जहाँ उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है और उसकी डेड बॉडी गांव लाके उसका कफन तफन कर दिया गया है। आगे जो भी कार्रवाई होगी डायरी आने पर की जाएगी। 46 वर्षीय रेलवे सी